आपके क्षेत्र में पारा शिक्षक नहीं है क्या? आपके क्षेत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है क्या? आपके क्षेत्र में सैया नहीं है क्या? आंगनबाड़ी सेविका नहीं है क्या? की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। जियो वादा ने जो नहीं करवाई वादा, वादे कसमें जो है वो प्यार वफा सब झूठा। नेता तो नेता होते हैं, नेताओं का कोई चेहरा नहीं होता। पार्टी के सिंबल से ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि ये नेता हमारे बारे में क्या सोचते हैं। याद कीजिए, आपको झारखंड की सड़कों पर वो दृश्य भी नजर आ जाएंगे जब पारा शिक्षक सड़क पर घूम रहे थे, जब रोजगार के लिए होमगार्ड के जवान ये कहते हुए सड़क पर घूम रहे थे कि हमें जो काम दिया जाता है उसके बदले मेहनताना नहीं मिलता। याद कीजिए आंगनबाड़ी सेविकाओं के बारे में, याद कीजिए सहायिकाओं के बारे में जब उन पर लाठियां चली थी। उस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, विपक्ष में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी थी। इस वजह से आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं के बोल उस समय कुछ और थे। आज सत्ता बदल चुकी है, सत्ता में आज जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस है, इसलिए जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि वादा तोड़ने के लिए होता है। यकीन नहीं हो तो इस वीडियो में आगे देख लीजिए। मैडम 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 मैडम, एक गाना है, मिलने की कोशिश कभी ना करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। आपके कानों में आवाज आ रही होगी, सुनाई दे रहा है उधर स्पीकर में? तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं सुनाई दे रहा ना, वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं होश में आओ होश में आओ, हेमंत सरकार होश में आओ। अभी अभी निकले हैं, देखते हैं क्या बात हो रहा है। आप लोग वादा करते हैं मैडम, वादा लेकिन निभाते नहीं है, बहुत गलत है। जो लोग भी सत्ता में आते हैं वादा एकदम निभाते नहीं है। देखिए, जो भी वादा मैंने अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ किया है उसके लिए हमेशा। आपके क्षेत्र में पारा शिक्षक नहीं है क्या? आपके क्षेत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है क्या? आपके क्षेत्र में सैया नहीं है क्या? आंगनबाड़ी सेविका नहीं है क्या? ये तमाम लोग तो हैं, सब है और सबके लिए हम लोग खड़े हैं और सबके लिए हम लोग न्याय के लिए हमेशा लगातार विधानसभा में भी आवाज उठाएं। आप सुने होंगे खुद कि हमने, आपकी सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है? हमें उम्मीद है, क्यों सोई हुई आपकी सरकार? मतलब आप लोग, मतलब आप इसका जवाब देंगे ना? ये लोग बैठे रहते हैं महीनों महीनों, जल्द से जल्द ये हो जाएगा। अब फिर पूछेंगे, आप हमारे सवाल से कट के निकल गई थी इसलिए। रोजगार में आप लोग क्यों नहीं, नहीं नहीं सच में हम लोग पारा शिक्षकों के लिए नहीं खड़े हैं, जैसे कि हम लोग उनको मतलब वादा नहीं किए हैं, जैसे हम लोग नहीं चाहते कि उनके साथ न्याय हो, बिल्कुल हम लोग चाहते। आपकी सरकार नहीं चाहती है? अगर आपकी सरकार चाहती, बिल्कुल, क्योंकि आपकी सरकार चाहती, आपके मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के बोलते रहेगा तो अलग बात है। तो ये थी अंबा प्रसाद, कांग्रेस की विधायक। बैजनाथ राम जी हैं, एक जमाने में बैजनाथ राम जी का ये जलवा था कि सरकार बनाने और सरकार को बिगाड़ने में इनकी भूमिका होती थी। मैंने उस जमाने को भी देखा जब रात के अंधेरे में 12 एक बजे भी बैजनाथ राम गाड़ी से शिबू सोरेन की आवाज़ तक आते थे। दादा एक गाना है, गाना है, मिलने की कोशिश कभी ना करना, मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। आपके इलाके में पारा शिक्षक और ये सब हैं संविदा कर्मी लोग? हाँ हैं। तो आप लोग क्यों उन लोगों के साथ झूठा झूठा खेल रहे हैं? नहीं, हम झूठा नहीं खेल रहे हैं। खेल रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने जो कहा है उस पर कार्रवाई होगी। ये पिछला एक जो वित्तीय वर्ष पार हुआ है वो संकट के दौर से गुजरा है, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि हम लोगों ने जो कहा वो भूल गए। अकेला जी अकेला अकेले मत जाइए, इधर रुकिए पहले। वो याद है सरकार को और बिल्कुल सरकार अपने वचन पे कायम है। उनको जो फैसिलिटी देने की, 5 साल बाद आपको तो बीजेपी का भी एक्सपीरियंस है, दोनों लोग ऐसे मिले हैं हमको कि दोनों लोग बीजेपी से आए हैं, एक कांग्रेस में एक जेएमएम में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो कहा गया है, हमने कहा कि सरकार बनते के साथ जिस संकट का सामना स्टेट ने किया है उस समय करीब करीब सारे विकास के काम ठप हो गए थे। अब सामान्य स्थिति हो रही है धीरे धीरे। ये जो 4 साल का समय है इसमें सरकार मिलने की कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। जियो। अच्छा, ये पारा शिक्षक लोग के साथ वादा खेल रहे हैं आप लोग? नहीं, उस पर तो संविदा कर्मी लोग के साथ वादा खेल रहे हैं आप लोग? कार्रवाई तो हो रही है। कहाँ हो रही है? ये देखिए वो सामने में बैठे हुए हैं, वहाँ से चिल्ला रहे हैं नौकरी दे दो, होश में आओ हेमंत सरकार, होश में आओ, चिल्ला रहे हैं वहाँ से, देख लीजिए आप। नहीं, वो तो चिल्ला रहे हैं वहाँ से, आप लोग तो जाते भी नहीं देखने के लिए। हो रहा, जाएंगे हैं, खाली अपने मसला पे, खनन पे, खनिज पे, लोहायसक पे, पत्थर पे, इसी सब पे होगा, इस पे नहीं होगा, नियुक्ति पे, रोजगार पे, नौकरी पे होगा ना, इस पे होगा, क्यों नहीं होगा? दादा होगा
पहले बहुत अकेला जी बताइए क्या बताइएगा आपके पास बताने के लिए है ही नहीं कुछ। अरे हमारे पास सब रोजगार का क्या हुआ? रोजगार मिलेगा कहाँ? वो लोग क्यों वहाँ बैठा हुआ? अब हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी है उनको विचार कर लेंगे और पारा टीचर को सारी सुविधाएं देंगे। नहीं कीजिएगा ना तो घेरेंगे आपको। हाँ घेरे, यहाँ से लेकर बरही तक घेरेंगे भाई, करेंगे। और शिक्षा और पारा टीचर नहीं मजबूत होगा तो हमारे गांव के बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। ये आए ना, गांव के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भारत हमारा भारत विकास नहीं जाएगा। भारत मजबूत जब होगा तब गांव के बच्चे पढ़ेंगे तभी। विधायक हो तो अकेला जी के तरह देखेंगे हम, आप उठाते हैं कि नहीं, आप करते हैं कि नहीं। कल मेरा भाषण होगा इसी विषय पर। जी जी दादा रुक जाइए, शीशा उतारिए। अरे शीशा उतारिए जेएमएम के हैं आप, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। आपका सवाल लेकर हम पहुंचे थे लेकिन सर जो है शीशा नहीं उतार रहे हैं, तो आज सवाल पूछेंगे आपसे, जुड़ा हुआ हर सवाल पूछेंगे और हर विधायक सत्ताधारी विधायकों से पूछेंगे, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों, आरजेडी के विधायक हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हों। ये सवाल आपसे जुड़ा हुआ है इसलिए पूछेंगे, कहब तो लग जाई धक से। कोशिश करना वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। कितना हल्ला कर देते आप लोग पारा शिक्षक और संविदा कर्मियों को लेकर, और आपकी सरकार है तो आराम से बैठ रहे हैं, इसी गाड़ी में बैठ रहे हैं, इसी दफ्तर में बैठ रहे हैं, इसी विधानसभा में बैठ रहे हैं, और वो देखिए सामने धूप में आओ आप ही के बच्चे हैं। पारा टीचरों के प्रति हम लोग, सिर्फ पारा टीचर नहीं, होमगार्ड, सहिया, आंगनबाड़ी, कितना नाम लेकर हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा भैया एक चीज बताइए कि सारी चीज़ों को लेकर सरकार बिल्कुल सही, धीरे धीरे अपने सही विजन पर जा रही है। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पारा टीचरों पर हमला नहीं करवाया, उन पर जो है लाठी नहीं चलवाया, आंसू गैस नहीं छोड़े, उस पर जो है पानी की बौछार नहीं की, लाठी नहीं चलवाया, जेल नहीं भिजवाया। हमारा जो भी मैनिफेस्टो में जो बातें हैं हम उसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, इफ यू लूज पेशेंस फिर वादा यही तो बात है। आप अरे भैया वादा ने जो नहीं करवाई वादा, वादे कस्में जो है वो प्यार वफा सब झूठा, वो लोग करते हैं जिनके इरादे कमजोर हैं, जिनके इरादे बुलंद हैं वो पूरी दृढ़ता के साथ, निष्पक्षता के साथ और अपनी तय समय सीमा में प्रोग्रेसिव पॉजिटिव नेचर के साथ काम करेंगे। हम फैन हो गए हैं आपके, जो बोलते हैं ना आप सर पूरा एकदम बोल देते हैं। तो बनना की कोशिश कभी न करना, हम नहीं करना वादा, कभी न करना वादा तो टूट जाता है। गजब वादा तोड़ते हैं महाराज आप लोग, तो तोड़िए भाई है? वादा नहीं तोड़ते हैं? नहीं, हम तो वादा जोड़ने वाले मिलते हैं। पारा टीचर लोग बैठा हुआ है, कंप्यूटर संविदा कर्मी बैठा हुआ है, ये सारे सहिया लोग बैठा हुआ है, होमगार्ड के लोग बैठे हुए हैं, आंगनबाड़ी के लोग, कितना गिना है महाराज। हम लोग सभी के साथ हम लोग हैं। शिक्षा मंत्री नहीं है, बीमार हैं, उन्होंने अपील किया है। अच्छा। वेट एंड वॉच कीजिए। वादा और बहाना, बहाना नहीं हम लोग, बहाना है नहीं बहाना है। काम करने वाले में से हैं, पारा शिक्षकों के साथ अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे, हम लोग पारा शिक्षक की उपज हैं। हम लोग कवरेज में जिस तरह से बवाल काटे थे आप, मुबारक में वो बवाल नहीं काट रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार नहीं है ना, आपकी सरकार है ना, पहले कवरेज वाले में आपकी सरकार नहीं थी इसलिए बवाल नहीं काट रहे हैं आप। देखिए मुबारक जो है उसकी हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई है। तो कहाँ आप लोग कुछ कर रहे हैं, क्या बात करते हैं, आप सदन में नहीं थे क्या? मैं सदन में ही था, सदन में मैं दो बार मैंने क्वेश्चन उठाया और सेकंड पाली में मैंने बहुत पुरजोर तरीके से मैंने बात उठाया। हमने कहा कौन है वो हत्यारा, हत्यारा किसी की मदद बख्शा नहीं जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा। आप किसी को मार दीजिएगा और मैंने 10 लाख सरकार का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। नहीं नहीं देखिए इस पर हम लोग, सरकार हमारी है, हम लोग जांच कर रहे हैं और कल जहां तक मेरी जानकारी है उसके परिवार वाले को सीएम साहब मिलेंगे, मैं लेके आ रहा हूं। अच्छा। और जो उचित मांग है नौकरी सहायता वो तो देंगे, लेकिन उससे तो कुछ नहीं होगा, जान तो वापस नहीं आएगा ना। जान जिसने मारा है मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, याद रखिए, इरफान सर का बोली है। दादा ये बताइए रोजगार को लेकर बहुत विपक्ष भी सवाल आप पे खड़े कर रहे हैं, आपने पहले ही क्लियर किया जो मैनिफेस्टो में था उसको भी आपने क्लियर कर दिया, आगे क्या है आपका एजेंडा क्या है और किस तरह से आगे करेंगे? आप देख रहे हैं कैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है, पूरा साल हमने रोजगार सृजन की घोषणा कर रखी है। अभी देखेंगे कि किस तरीके से लगातार रोजगार देने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, अभी सत्र भी चल रहा है, नियम कानून कायदे सभी बन रहे हैं, उपरांत सारी चीजें होंगी। बहुत शुक्रिया। जनता जनार्दन रोजगार रोजगार कहते कहते थक जाएगी, सड़क पर मर जाएगी, लेकिन इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर 5 साल बाद इस लोकतंत्र में इस तरह की
प्रणाली है कि आप चुनाव के लिए मैदान में आइए, चुनाव लड़िए, 5 साल बाद चुनाव अगर जीत जाते हैं तो फिर MLA बन जाइए, विधानसभा तक पहुंचिए, विधानसभा जब जाएंगे तो आप नेता कहलाएंगे, हो सकता है किस्मत अगर आपकी साथ दे दे तो आप मंत्री भी बन जाएंगे। चुनाव उसके बाद भी 5 साल बाद होगा, चुनाव अगर हार भी जाते हैं तो आपको पेंशन मिलेगा, पेंशन के अलावे कई सारी भत्ताएं मिलेगी जिससे आपका जीवन सुकून से कट जाएगा। लेकिन जो लोग रोजगार के लिए तरसते हैं वो ताउम्र तरसते रह जाएंगे। ये कहानी सिर्फ झारखंड की नहीं है, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, ये कहानी हर शहर, हर कस्बे, हर गांव की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से ये बातें जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। नमस्कार।